ऑयली साइड में ही है, विंटर आता है तो हल्की हल्की ड्राइनेस फील होती है बट जनरली ऑयली साइड में ही है, और ये मेरी ऑयली स्किन को मतलब परफेक्टली सूट कर रहा है। मुझे ऐसे मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन पसंद नहीं है जो कि यू नो आप अप्लाई करें थोड़ी देर बाद आपको स्टिकी या ग्रीजी फील होने लगे, तो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, अब्सॉर्ब हो जाता है एंड बॉडी मेरी बिल्कुल भी स्टिकी या ग्रीजी या ऑयली नहीं फील होती। दूसरी चीज की इसको लगाने के बाद मुझे स्वेट नहीं आता, मतलब काफी सारे बॉडी लोशन मैंने अप्लाई किया जिनको यूज करने के बाद बॉडी थोड़ी स्वेटी सी लगने लगती है, तो इसको यूज करने के बाद वैसा भी नहीं होता है एंड बस। और या मैं अगर बात करूँ कि कितनी देर तक ये मॉइस्चराइज करता है बॉडी को, तो ऑल डे यस, मैं बस एक बार पूरे दिन में इसको अप्लाई करती हूँ मेरी बॉडी पे, मेरे हाथों में मैं इसको रात को सोने के पहले भी अप्लाई करती हूँ क्योंकि घर का काम करना होता है, किचन का काम होता है, बार बार हाथ पानी में जाते हैं और विंटर सीजन में तो बहुत जल्दी जल्दी हाथ ड्राई होते हैं, तो रात में एक बार सोने के पहले भी मेरे हाथों में और मेरे फीट में इसको एक बार जरूर अप्लाई करती हूँ। अदर देन दैट मुझे दिन भर कहीं पे भी इसको अप्लाई करने की जरूरत महसूस नहीं होती है, तो ये मुझे आराम से कह लीजिए कि 12-13 घंटे मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अब मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे ओपन एंड स्टॉप लिखा है, तो इसको आप इस तरीके से लॉक भी कर सकते हैं ट्रैवलिंग में अगर आपको ले जाना है, अदरवाइज आप इसे ओपन कर लीजिए। तो ये देखिए इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, तो ये है प्रोडक्ट और मैं अब इसे मसाज कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली लाइट वेट है और मैं अपने दोनों हाथों पर इसे मसाज कर रही हूँ। एंड ये जो बॉडी लोशन है आप इसे नहाने के तुरंत बाद लगाएं, इससे आपकी स्किन हो जाएगी सुपर ऊपर सॉफ्ट, और ये आप देख लीजिए बिल्कुल फास्ट तरीके से ब्लेंड होता है और बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है एंड बहुत ही बढ़िया फ्रेश खुशबू के साथ में है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है मुरक्कन अर्गन की जो खुशबू है वो बिल्कुल कमाल की होती है। तो ये हो गए हैं मेरे हाथ सुपर सॉफ्ट, और आप भी अपने हाथों को और बॉडी को नरिश कर सकते हैं, इससे मॉइस्चराइज कर सकते हैं, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आप इसको जरूर से अप्लाई करिएगा, क्योंकि विंटर्स में स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने की वजह से उसको हील करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर इस तरीके के प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज और नरिश मिलेगी। एंड क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट जो है वो ऑल नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं और आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, सो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है परचेजिंग लिंक, और आप इसे ममा अर्थ, नायका, अमेजोन तीनों जगह से ले सकते हैं। एंड आप ममा अर्थ से डायरेक्टली परचेज करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, आप कोड देख रहे होंगे स्क्रीन पे RARA20, तो कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा और ये जो प्रोडक्ट है इसे जरूर ट्राई करिएगा। बॉडी लोशन को दिन में 2 बार जरूर अप्लाई करना चाहिए, स्पेशली नहाने के बाद, और रात में थोड़ा सा हाथ पैरों पर जरूर लगाएं, तो आपके हाथ और पैर हो जाएंगे सुपर सॉफ्ट एंड बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली नरिशिंग स्किन होगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। रोज फ्रेग्रेंस इज रियली रियली नाइस, इट्स वेरी सूदिंग एंड इट्स अ वेरी लाइट वेट फॉर्मूला, ऑफ ऑल द लोशंस आई हैव टुडे दिस इज द मोस्ट लाइट वेट फॉर्मूला, एंड वंस अगेन यू जस्ट हैव टू टेक अ लिटिल बिट, मसाज दिस इनटू योर स्किन, and oh I love the fragrance, it's really nice, okay, it's very gentle and it dissolves into the skin beautifully and it does hydrate the skin, but because it is designed for oily skin I actually had to keep reapplying this. I think I reapplied this for quite a few times, okay, and it's a good formula, but I think if you have dry skin you want to go back to the first one that I just talked about, leave this one for people with oily skin. If you have normal or combination skin, if you really want to try out this particular product, the rose one, what I would suggest is use it after waxing. So you know, like after waxing when your skin is feeling irritated, or during the summer months when your skin is not really dry, you just want some hydration, you want your skin to look soft and supple, there's something which you can use for that time. It's a very nice hydrating formula, but for dry skin I would definitely recommend the first one which I just talked about. And I think Mama Earth is a great brand and I really really like these body lotions. For a very long time I've been looking for a good body lotion for my skin because the one that I was using before this wasn't available in India and I loved it, but now I finally have this body lotion that I love and trust and will
keep using it forever, and I might just use my own code to get like 100 backups of this. So definitely check it out. I have been using the normal and the dry skin body lotion. It gets rid of my dry skin, nourishes my skin along with the fragrance. I love the fragrance. Let me first talk about the normal skin and the fragrance. It's a strong cucumber fragrance. Though if you are not a fragrance kind of a person, you don't like fragrances in your body lotions and your creams, then probably not buy these, because these have good fragrance, which I personally really like. And I think my hand is pretty soft right now. For me, the body lotion which is for the dry skin type is definitely going to be one of the body lotions which I'm going to be reaching out to every single day, which I have also been reaching out to every single day for the past 2 weeks, and I've been loving the results so far. My skin actually feels very soft. It smells really amazing. I wish you guys could smell it in front of me right now. Actually feels very mint-like. Inside is definitely dry, and I'm gonna be using the extra dry lotion here. But yeah, this one is quite hydrated right now. And how I generally like to use these body lotions is after my bath, when I come out of the shower, and you know, I can easily apply the body lotion on my legs as well as on my hands. And now coming to my extra dry skin girls whose skin is very, very dry in winter, you guys can then check out their extra dry skin type body lotion, which is their skin repair body lotion. This contains mango, cocoon butter and shea butter again, and this one I haven't tried yet, so I'm gonna be trying this out for the first time in front of you guys. The smell is quite similar, though I feel a little you know, mango kind of fragrance, a khatta khatta mango type of fragrance. Oh yeah, I definitely smell mango. Oh, I want to eat mango now. Yeah, as I said, this is also quite hydrating, though honestly now I don't feel any difference between the dry and the extra dry one.